पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी देश में आज की आधुनिक कंप्यूटर क्रांति के जनक थे। प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी एक ऐसा नाम रहा है जिसके मन में हमेशा देश के युवाओं के प्रति चिंता रही है। उन्होंने अपने जीवन काल में युवाओं के कल्याण के लिए जो काम किए हैं वे आज हमें दिख रहे हैं। उक्त विचार खाते गांव में सद्भावना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश लोक निर्माण एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने व्यक्त किए। सद्भावना दिवस का आयोजन भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्याम होलानी, पूर्व विधायक कैलाश कुंडल, पीसीसी सदस्य गौतम बंटू गुज्जर, डॉक्टर ओम पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहन विलोदा सहित अनेक कांग्रेसी जन मंचासीन थे। तत्पश्चात ये सभी नेवामर पहुंचे, जहां उन्होंने संत विद्या सागर जी महाराज के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने स्वयं खेतों में पहुंचकर फसल की स्थिति का जायजा लिया है तथा किसानों से चर्चा कर वस्तुस्थिति जानी और अधिकारी के सोयाबीन की फसल में अफलन की स्थिति में तत्काल सर्वे के निर्देश दिए हैं। संत विद्यासागर जी महाराज यहाँ पे विराजमान है और उनकी अलौकिक शक्ति से सारा क्षेत्र प्रकाशमान है। उनके दर्शन के लिए मैं यहाँ आया था। यहाँ फरवरी माह में पंचकल्याण होना है, हम क्या व्यवस्थाएं वहाँ कर सकते हैं जिससे पंचकल्याण और सुविधाजनक हो, आने वाले धर्म प्रेमियों को सुविधाएं मिले, ये सारी बातें देखने में हाजिर है। आपने रास्ता भाई साहब फसलों की स्थिति देखी थी, फलन की स्थितियाँ हो रही हैं सोयाबीन फसलों की? जी मेरे साथ पूरा प्रशासनिक अमला साथ में है, कलेक्टर एसपी से लेके तमाम राजस्व विभाग के अधिकारी, हमने खुद खेत के अंदर जाके कलेक्टर, हम सारे लोगों ने फसलों को देखा, आकलन किया और तमाम सर्वे के आदेश तत्काल दे दिए हैं। तो सर्वे करा के फटाफट मुआवजा मिल जाए, हमारे किसान भाइयों को तत्काल राहत मिल जाए। इस क्षेत्र को काफ़ी समय से पर्यटन स्थल घोषित कर रखा है पर आज तक कोई सुविधा है नहीं मिली इसको। देखिए जिस सरकार ने किया मैं तो उसके बारे में बोलना नहीं चाहता, ये तो धोखाधड़ी आडम्बर वाली सरकारें रही हैं। कमलनाथ जी ने कहा कि हम गौशाला बनाएंगे तो कॉरपोरेट घराने से ही मदद लेंगे गौशालाओं का निर्माण। अब मैं यहाँ आया, गुरु जी का आदेश हुआ एक गौशाला बनाओ, तत्काल अधिकारियों को आदेश दे दी कि एक गौशाला 27 लाख की तत्काल यहाँ उन्होंने तत्काल घोषणा कर दी वो बनेगी। तो हम तो जो लोग कह रहे हैं वो कर रहे हैं। किसान की कर्ज माफ़ी की बात हुई, पर्यटन स्थल घोषणा की, हम लोग चेक कराएंगे उसको। ये तो इतना सिद्ध क्षेत्र की धर्म स्थल भी बने और पर्यटन स्थल भी बनना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।